निरे ग प रि प म घ रि सा स स नि स ध नि प ध म ध नि स ग स नि द प म ध प म ग म ध नि स म स नि द प म ध प म घ रि सा। ये रैंडमली अभी कुछ ना कुछ जो भी मन में आया राग के स्वरूप में वो बोल दिया मैंने, तो सुर सीखने की क्या जरूरत थी। लेकिन इन शब्दों के पीछे जो धुन है उन धुनों का बेस तो सुर ही है ना। ग म प ध नि द प म प म प ग, कुछ तो लोग कहेंगे साने सागा साने धा मधने साने धा म प म ग। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं छूट न जाए रहना ध ध ध धनी सारे नी। इस वजह से सुर सीखने पड़ते हैं क्योंकि सुर ही है जिस पे धुन है और धुन ही है जिस पे शब्द हैं। तो गीत समझना है और अपने अनुसार गाना है। जैसे भुला दे मुझे को मेरा सयोनी, मोह मुझे तोरी माया में सयोनी। शब्द लिखिए अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ बताइए, लिटरल मीनिंग क्या होगा, एटिमोलॉजी में जाते हैं। अलंकार क्या काम करता है? ब्यूटी ऐड करता है, सुशोभित करता है, सुसज्जित करता है, उसकी सज्जा उसकी शोभा बढ़ाता है। जो भी हम पहनते हैं ज्वेलरी, हमारे जेवर, वो क्या है? वो अलंकार हैं, है ना। उसी तरह से सुरों की जो शोभा को बढ़ाएगा वो अलंकार हैं, है ना। अब वो कैसे बनता है? सुर तो सीधे सीधे सात हैं, सा रे ग म प ध नी, ये सात सुर हैं सीधे सीधे। अब इनकी शोभा कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन्हें खूबसूरत कैसे करेंगे? इनको जब जोड़ेंगे। अच्छा, जो आपका जेवर बन रहे हैं या जो अलंकार बन रहे हैं वो भी तो चीज़ें जोड़ जोड़ के बन रहे हैं। सोना सोना है, उसको मोल्ड करते हैं अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में। उसकी सौंदर्य, उसका जो सुंदरता है वो ऐसे ही तो बढ़ रही है भाई। सोना अगर आप वैसे देखोगे, खदान में जाके हीरे निकलेंगे तो ऐसे ऐसे निकलते हैं पूरे पत्थर, वो थोड़ी सुंदर लगते हैं। सुंदर कैसे लगते हैं? जब उन्हें तराशा जाता है, एक आकार दिया जाता है, है ना। उनके अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, है ना। तो यानी उसको आपको मोल्ड करना पड़ेगा उसमें सौंदर्य लाने के लिए। उसी तरह से सुर यही सीधे सीधे लगाओ तो सारे गामा पधनी साथ हैं। अब इनको सुसज्जित करने के अलंकार कैसे बनाए जाते हैं? इनके जोड़े बनाए जाते हैं। सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी, सारे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नी। उलझने इनमें पैदा करें, लड़ इसमें बना रहे हैं। एक लड़ बन रही है ना, एक पैटर्न जा रहा है। इंडिविजुअल तो यही साथ थे, इसमें अलंकार कैसे हुए? ये अलंकार की वो परिभाषा बता रहा हूँ जो किताबों में नहीं है। अलंकार की परिभाषा सिर्फ ये है कि स्वरों की एक लड़ जो सा से सा तक जाती हो और सा से सा तक वापस आती हो, यानी मध्य से तार तक जाए और तार से मध्य पे वापस आए, इसे अलंकार कहेंगे। और एक लड़ होनी चाहिए। ये किताबी भाषा है, लेकिन मैं किताबी नहीं, मैं अनुभवी भाषा आपको बता रहा हूँ कि अगर अलंकार के शाब्दिक में, क्योंकि मैंने हमेशा बोला एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी पे जाओ मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अलंकार कैसे बने, ये जो अभी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये आप ही के सामने अभी अभी बना है कि सोना या हीरा ये जब निकलता है खदान से तो ये इसका साइज होता है। इतने बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, ये क्या है, मिनरल्स हैं, ये तो स्टोन्स हैं ना, दे आर स्टोन्स। लेकिन ये खूबसूरत कब बनते हैं? व्हेन यू कार्व देम, है ना। इनको आकार में, इनको एक शेप में डालते हैं। अब मैं अगर बोलूँगा सोना पहनना है तो इतना पत्थर लटका के थोड़ी घूमोगे गले में, है उसका हार बनता है तो ऑटोमेटिक उसमें शेप्स आ जाते हैं, उसके साइजेस आ जाते हैं। छोटा भी आएगा, अंगूठी में डाल दिया उसको, है ना, नाक में नथनी आ गई, यहाँ बालियाँ डाल दी तो खूबसूरती बन गई अपने आप, यानी उनके शेप्स। तो अलंकार यही होते हैं, स्वरों में भी स्वरों की जोड़ियां अलग अलग। अब जैसे सारे सागर रे ग रे ग रे म ग म ग म ग प म प म प म ध प ध प ध प नि ध नि ध नि ध सा नि सा, है ना, थोड़ी खूबसूरती लगी, ऐसे लड़ जैसा कुछ गया। सारे सा म ग रे रे ग रे प म ग ग म ग ध प म म प म नि ध प ध प सा नि ध ध नि ध रे सा नि नि सा नि ग रे सा सा नि सा ध नि सा नि ध नि प ध नि ध प ध म प ध। कितना अच्छा लग रहा है, यही सात सुर है, इन्हीं को आप कैसे लड़ में बोल रहे हो, खूबसूरती सुनने में कितना अच्छा लगता है। स ग रे स रे म ग रे ग प म ग म ध प म प नि ध प ध स नि ध स ध नि स नि प ध नि ध म प ध प ग म प, है ना। कैसे आप उन्हें बोल सकते हो, आपकी टंग ट्विस्टर्स बन जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये तो अलंकार की परिभाषा हो गई, उसका स्वरूप हो गया। अब इसका इस्तेमाल देखिए, इस्तेमाल कहाँ होता, अलंकार की जरूरत क्यों है।
अलंकार गायकी या अलंकार सीखना उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हम गायकी की या हारमोनियम की जब भी शुरुआत करते हैं या कोई भी ऐसा वाद्य जिसमें सुर है उसकी शुरुआत करेंगे तो हम अलंकार से शुरू करते हैं, है ना, कि सबसे पहले अलंकार ही सीखे जाते हैं, उसके बाद रागों पर थाटों में अलग अलग जो भी टॉपिक्स हैं उस पर जाया जाता है। पर अलंकार सुशोभित करते हैं, उसमें लड़ें बनाई जाती हैं इन सात सुरों के साथ फेमिलियर होने के लिए, है ना। और इनसे फेमिलियर कब होंगे? वेन वी विल बिफ्रेंड देम, यानी इनसे दोस्ती कर लेंगे। और दोस्ती के लिए अलग अलग खेल करने पड़ते हैं भाई, है ना। सेम गेम उसके साथ खेलोगे उसको मजा नहीं आएगा, बोर हो जाएगा, क्या यार तू सेम रोज एक ही खेल लेके आ जाता है, कुछ तो वैरायटी ला, कभी ये वाला गेम खेलेंगे, कभी वो वाला गेम खेलेंगे। बच्चे खेलते हैं ना, कभी डॉक्टर खेलेंगे, कभी घर खेलेंगे, कभी क्रिकेट खेलेंगे, कभी फुटबॉल खेलेंगे, अलग अलग गेम्स, अलग अलग पैटर्न। तो अलंकार में पैटर्न्स होते हैं, एक जैसा नहीं जाएगा, एक जैसा हुआ तो ये एक पैटर्न है, सारे गामा पधा नी सा नी धा भ म ग रे सा। और अलंकार में दो चीजें होती है, आरोह और अवरोह, ये भी दो शब्द आपने सुने ही होंगे। आरोह यानी जाना, असेंडिंग, अवरोह यानी लौटना, डिसेंडिंग, ठीक है। और ये खासियत होती है अलंकार की कि अलंकार में आरोह जैसा जाता है कोशिश करते हैं कि अवरोह वैसा ही आए, वही पैटर्न बरकरार रहे, है ना, पैटर्न वही रहना चाहिए। जैसे सारे गा म प ध नि सा, एक जैसे गए सा नि धा भ म ग रे सा, डबल गए सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, डबल ही आना है सा सा नी नी धा धा भा भा मा मा गा गा रे रे सा सा। तीन तीन की जोड़ियां, एक दो तीन, इन सुरों को नंबर दे दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो अगर गिनती जाएगी सा रे गा यानी एक दो तीन, रे गा मा दो तीन चार, गा मा पा तीन चार पाँच, है ना। वो तीन चार पाँच की भी क्या है, एक दो तीन की ही तो लड़ा है ना। चौथा अलंकार गया सा रे गा मा एक दो तीन चार, रे गा मा पा, ये भी एक दो तीन चार है, रे से चार सुर गए, पांचवा गए तो सारे गा मा पा, रे से पांच जाओ क्या बनेंगे, रे से पांच जाना है, रे गा मा पा धा, रे से जाना है, रे को भी तो काउंट कीजिए, सा से पांच गए सारे गा मा पा, रे से पांच जाओ, ग से पांच जाओ, म से सात जाओ, सात बोला था मैंने, हाँ मैं पता नहीं सारेगा, है ना। वो कॉन्सिक्यूटिव जाना चाहिए भाई, कई बार ये भी होता है भाई, आपने आगे जोड़ दिया, दो पैटर्न्स मिला के भी एक पैटर्न बनता है, मिश्र जिसको कहेंगे, है ना। अब जैसे सारेगा रेगा मा पा, ये एक पैटर्न है, सारेगा सा से तो तीन ही गए लेकिन रे से चार जाएंगे, रेगा मा पा, ये एक पैटर्न बना है, 1 2 3 1 2 3 4, या यूं कहें 1 2 3 2 3 4 5, ये पैटर्न है। अलंकार को लोग समझते नहीं है इसीलिए गा नहीं पाते हैं, अलंकारों को रटते हैं लोग, रट कैसे लेते हैं, याद करते हैं। कभी भी अलंकार को याद मत करो, याद करो कितने याद करोगे, मैंने जो अभी आपको अलंकार गा के बताया ना कुछ अभी, जैसे सारे गा रे मा गा रे, सारे गा रे मा गा रे गा मा रे, सारे गा रे मा गा रे, रे गा मा गा पा मा गा गा मा पा मा धा पा मा मा पा धा पा नी धा पा पा धा नी धा सा नी धा, ये पहली बार आपके सामने गाया, अभी अभी बनाया, अभी गा दिया, है ना। वो कैसे हो पाया, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट को समझो, उसे याद मत करो, याद करने जाओगे कितने याद करोगे, वही चार वही अलंकार जो गुरु ने सिखाए उसके आगे क्या खत्म, उपज कैसे होगी, पैदा कैसे होगा। एंड मैंने हमेशा से कहा है, मुझे संगीत आपको वैसा ही सिखाना है जो पैदा हो, है ना, वो वाला नहीं जो याद किया जाए, याद वाला चाहिए ही नहीं अपने को, मेरी छवि आपके अंदर दिखनी नहीं चाहिए कि मुझसे सीखे हुए, सिर्फ पैटर्न दिखे कि हाँ ये जो जिस ढंग से गा रहा है वो लगता है कि संगीत प्रवाह वर्ल्ड की जो पैटर्न है उसमें चल रहा है, पर चीज़ें नहीं, चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए, है ना, कि भाई ये संगीत धृति का संगीत है, ऐसा नहीं कि ये निषाद का सिखाया हुआ संगीत है, मेरी चीज़ मेरे बनाए हुए अलंकार मेरे बनाए ख्याल उनको आप प्रेजेंट करें, नहीं, उनसे प्रेरणा लीजिए, इंस्पिरेशन उनसे लीजिए, मैं सिखाऊंगा, उनको जानिए और खुद का बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं बनता है तो मेरे पास आइए, मैं बताऊंगा पैटर्न बनाया कैसे जाता है। हम क्या करते हैं, ख्याल बंदिशें याद करते हैं, याद ही तो करते हैं कि ये गुरु की मेरी फलां गुरु का बनाया हुआ ख्याल, आज तक बड़े बड़े कलाकार ऑन स्टेज यही करते हैं कान पकड़ के कि मेरे गुरुजी का बनाया हुआ एक ख्याल आपको सुना रहा हूँ या मेरे गुरुजी की बनाई हुई एक बंदिश। ये तो हमने जान लिया कि अलंकार क्या होते हैं, पर ये सीखने की ज़रूरत क्यों होती है, अब उस पर आते हैं कि अलंकार क्यों सीखे जाते हैं। क्योंकि आप इनको बिफ्रेंड करना है, आपको जाहिर बात है इनके साथ खेलना है, तो अलग अलग पैटर्न्स में जब बोलते हो तो टंग ट्विस्टर होता है, पहली बात तो जबान साफ होती है, रैंडमली स्वरों के जंप होते हैं, वरना हमें क्या है, मैं आपको बोलता हूँ ना कि 1 से 8 तक की गिनती के मुझे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दीजिए, मुश्किल पड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी जल्दी भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 1 3 4 5 2 6 8 तो इसमें 7 रह गया,
साथ बोला ही नहीं मैंने, मिस हो गया, क्योंकि नंबर से इतना फैमिलियर ही नहीं हूं मैं या कोई भी इंसान कि उनके साथ खेल सके। तो इसी तरह से जब स्वरों के साथ खेल सको, यानी रैंडमली स्वरों को भी बोल सको, भाई रागों में यही तो होता है, राग गाई की गाओगे रैंडमली, अभी कुछ ना कुछ जो भी मन में आया राग के स्वरूप में वो बोल दिया मैंने। तो ये रैंडम सुर कैसे बोल पाया? क्योंकि अलंकार का अभ्यास है। क्योंकि अलंकार के अभ्यास में क्या होता है, पैटर्न में अलग अलग पैटर्न्स मिलते हैं आपको। मैंने बताया ना कि लय ताल ये सब हम पैटर्न में क्यों सीखते हैं शुरुआत में, क्योंकि आगे ये रैंडम है, कोई तय नहीं है, कोई कॉम्पोजिशन ये तय तड़ी के साथ से ही शुरू होगी, कहीं से भी हो जाएगी भाई, है कि नहीं। तो इसीलिए पहले स्वरों को पैटर्न में समझते हैं हम, ताकि रैंडम दिक्कत नहीं आए हमें। ठीक है, वही बात है कि सातों सीढ़ियां, पहले स्टेप में चढ़ लो, फिर कूद कूद के कभी भी कोई से भी सीढ़ी पे कूद के चले जाओगे और मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो इसीलिए हम अलंकार सीखते हैं, अलग अलग पैटर्न उसमें बनाते हैं, रैंडम पैटर्न्स है ना, जैसे सारे ग सा ग रे रे ग म रे म ग ग म प ग प म म प ध म ध प, टंग ट्विस्टर हो गया, जबान पे सुर किसी भी ऑर्डर में बैठ जाएंगे। फिर मैं आपको सा ध प ध म प ग प म प ग म रे म, है ना। क्या होता है, कई बार एक अजय चक्रवर्ती जी का नाम सुना होगा आपने, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था, उन्होंने उसमें बहुत अच्छी चीज बोली कि सुर बोलना नहीं सिखाया जाता है हमारे शास्त्रीय संगीत में, अलंकार की ट्रेनिंग बहुत कम दी जाती है, इसीलिए पैटर्न में तो हम बोल देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अजीबो गरीब पैटर्न आया तो हम नहीं बोल पाते हैं। जैसे साधनी ग पा म रे नी सानी, अजीब था, कोई तय नहीं था, कोई स्वर संवाद नहीं था, तो बोला नहीं जाता है। साधा प म ग तो इजी था, क्योंकि सा ध प म ग ऑर्डर में बोला ध प म ग, लेकिन साधा म ध ग सा नी सा ये बोलना हो तो साधा म ग सा नी रे प म ग ध प सा ग रे नी सा ग सा नी म ध, मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको कोई राग की सुर की लेना देना नहीं है ना, सारे ग म प ध नी तो आते हैं, बनाओ इसके पैटर्न, बना के बताओ मुझे, रैंडम बोलना शुरू कर दो, रुकना कभी मत, रुकना नहीं। मैंने जैसे लय के लिए भी बोला था ना कि रैंडम एक बार बोलो, तो आपको सारे ग म प ध नी है, बोलना शुरू करो, सा ग म रे प ग ध प म नी प सा नी म ग प सा नी म ध, देखो कहाँ अटक जाते हो, कोशिश करो एक बार धरती, चलो बोल के देखो, यही सात सुर सिर्फ पढ़ने हैं। हाँ, रैंडम ऐसे ही कुछ भी, ऑर्डर नहीं आना चाहिए, बस कोई पैटर्न नजर नहीं आ जाए मुझे। चार सुरों में ही अटक गए, अटकना नहीं है, कोशिश करो, स्पीड एक बार कम कर लो भले ही, अगर आपको लग रहा है तेजी की वजह से अटकना हो रहा है, गति कम करो, यही तो काम है संगीत में। संगीत में हर चीज सोच के होती है, लेकिन सोच नजर नहीं आती है, ये बहुत खासियत है, क्योंकि उपज है उसी समय पैदा हो रहा है, तो जाहिर है बिना सोचे तो नहीं होगा ना, लेकिन वो सोच इतनी फास्ट होती है, इतनी इतनी माइन्यूट होती है कि नजर नहीं आएगी। अभी मैंने निरेगा निगा रे निरेगा म प रे प म ग रे रेगा म ध नि सा म सा नि ध प म ध प म ग प म म ग म प ग प म ग रे सा, ये वो पैटर्न बोला जो मैंने कभी नहीं गाया था, अभी अभी आप ही के सामने हाल ही में तुरंत बिना सोचे अभी गा दिया, लेकिन ये सोच इतनी स्विफ्ट थी, इतनी फास्ट, इतनी माइन्यूट सेकेंड्स में होती है कि दिखती नहीं है, इसका अभ्यास करना होता है कि वो सोच दिखे नहीं। ये नहीं क्या निरेगा म प प प म रेगा, ये देखा कि मैं प पे अटक गया, मेरे को सोचना पड़ा कि प के बाद क्या बोलूं, प म रेगा ग ग म ध नि सा नि ध म ध नि सा नि ध प म ध प म ग रे, वो अटक गया, अटक कैसे गया, इधर से अटक गया, आगे का नजर नहीं आ रहा, कहां जाऊं, होना ही नहीं चाहिए। तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा कि अटके नहीं, दिमाग अटके नहीं, रुके नहीं, है ना, बिना रुके धारा प्रवाह बोलना है। अभी मैं शुरू हुआ हूँ, जब से बोली जा रहा हूँ, कहीं भी अटका नहीं, वो क्यों हो पाया, अटकते कब हैं हम, जब हमारे थॉट्स को वर्ड्स नहीं मिलते हैं, अटक जाते हैं कि यार ये, अरे इस चीज़ को क्या कहेंगे, वहाँ अटक जाते हैं कि यार ये वर्ब कौन सी होगी, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे या हिंदी में बोल रहे हैं, या एक ही धारा प्रवाह आपको एक ही भाषा में बोलना है, तो आप कहाँ अटक जाते हैं, लैंग्वेज की वजह से अटक जाते हैं, वर्ड्स की वजह से। अगर मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट इंग्लिश बोलिए, सिर्फ इंग्लिश में मुझसे बात कीजिए या सिर्फ हिंदी में बात कीजिए, तो आप बिना स्विच करे बात ही नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास वर्ड्स कम है तो अपना वोकैबुलरी डिक्शन हमेशा बढ़ाने को मैंने कहा ही है, उसी तरह से यहाँ भी है, स्वर में कभी नहीं अटकोगे अगर ये पैटर्न नहीं मालूम है, है ना, पैटर्न मालूम है तो कभी नहीं अटकोगे, ये चीज़ है। और अब आप बोलो कि यार मुझे क्लासिकल आर्टिस्ट तो बनना नहीं है, तो ये मैं क्यों बोलूँ, है ना, ये भी सवाल आता है कि मैं क्लासिकल आर्टिस्ट बनना नहीं चाहता, मुझे तो गाने गाने हैं, तो गानों में तो ये मैंने कभी नहीं सुना किसी को सुर गाते हुए, वो तो सीधा सीधा गाते हैं कि
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं छूट न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, मैं तो कहीं सुर नहीं बोला, तो सुर सीखने की क्या जरूरत थी। लेकिन इन शब्दों के पीछे जो धुन है, उन धुनों का बेस तो सुरी है ना। गमा पधनी धा पमा पामा पगा, कुछ तो लोग कहेंगे। साने सागा साने धा मधने साने धा मा पमा गा। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं छूट न जाए रहना। ध ध ध धनी सारे नी। इस वजह से सुर सीखने पड़ते हैं, क्योंकि सुर ही है जिस पे धुन है और धुनी है जिस पे शब्द हैं। तो गीत समझना है और अपने अनुसार गाना है। जैसे छूट न जाए रहना, अगर ये गाना हो तो छूट न जाए रहना, जबकि ओरिजिनल लाइन छूट न जाए रहना, सिर्फ इतना ही है। तो अगर उसमें परिवर्तन लाना है तो बेस से परिवर्तन आएगा, सिर्फ शब्दों से परिवर्तन थोड़ी आएगा। ठीक है, इस वजह से अलंकार सीखे जाते हैं। तो अलंकारों के फायदे बता रहा हूं कि अलंकार सीखने के रीजंस, वजह और फायदे क्या क्या होते हैं, है कि नहीं। जैसे रियाज सीखा था, उसमें भी ये सारे पॉइंट्स बनाए थे। सिखाने से पहले मैंने इंटरेस्ट पैदा किया था कि नहीं, कि दिलचस्पी आएगी जब वजह समझ आएंगे, उसके फायदे नुकसान समझ आएंगे, तभी तो करने का मन करेगा। वरना क्यों करोगे, वरना बोर हो जाओगे, वरना इच्छा नहीं होगी करने की, और बगैर इच्छा के करोगे तो असर नहीं होगा। ठीक है, तो फायदे क्या क्या हो गए कि भाई, पहली बात तो जबान साफ होती है, टंग ट्विस्टर होता है अलग अलग पैटर्न्स में जब हम जानते हैं सीखते हैं तो। उसके बाद स्वरों की ऐसी समझ आती है कि कोई से भी कूद के कहीं से भी सुर लग जाएंगे, यानी स्वर की स्थिति का पक्कापन आ जाता है। जो स्वर की स्टेबिलिटी हम ओमकार के रियाज में भी कर रहे हैं ना, यहां भी वो स्टेबिलिटी चेक होती है, कितने स्टेबल हो। सारे गमा पधनी ये तो एक सीढ़ी में गया तो लगा लिया, लेकिन जैसे ही सागा मधनी रेपा छोड़ने को कह दिया तो नहीं लगा, है कि नहीं। अभी मैं आपसे गवाऊं, अगर सारे गमा पधनी तो गा लोगे, लेकिन सागा पानी रे मध गवाया ही नहीं मैंने, जंप जैसी लगवाए, या सागा प रे मधा ग प नी मधा सा पैटर्न बनाया, सागा प रे पॉज से सीधा रे पे कूदना है। ये सात सुर हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, तो जंप करना तो स्वर में पक्कापन आता है कि नहीं भाई। स्वर की स्थिति स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, अभी यहां से वहां कूदा, वहां से यहां कूदा और उसी जगह कूदे। ये नहीं कि सा ग प जब रे लगाया तो रे पता नहीं कहां गया, कौन सी कहां गई रे, कौन सा सुर था, क्या फ्रीक्वेंसी थी रे की, भूल गए। ये ना हो, पिच परफेक्शन आता है इससे। जिनका गाने में पिच बदल जाता है ना गाते गाते, कि स्थाई गाया तो अलग सुर से, अंतरा गाया तो अलग सुर से, तो वो सुर की समझ आती है, क्योंकि अलंकारों में है ही क्या, स्वर ही तो है। ठीक है, फिर हम इन्हें अलग अलग थाटों में करते हैं, अलग अलग कोमल, कभी कभी तीव्र, कभी शुद्ध, ऐसे लगा के करते हैं, है ना। फिर हम अलग अलग पिच से करते हैं, कभी पहली गाली से किया, है ना, फिर पांचवी से किया, चौथी से किया, दूसरी से किया, तो अलग अलग पिचेस में हमें समझ आ जाता है। ठीक है।